अच्छा ये जो है ना जिस तरह से कि ये शीर खुरमे से आए हैं, इतनी कंप्लीट लुक थी चांद की ईद की इनफैक्ट कि शीर खुरमे से शुरू हुए मैंने देख लिया. एनीवे वी हैव अलमास ओवर हियर विद अस. एक बार फिर से आ गई अलमास, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है. अच्छा ये बताओ, चांद रात में कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि कोई ऐसी चीज हो गई हो, भंड हो गया हो, गुस्सा आ रहा हो और तैयारियां कंप्लीट नहीं हुई हैं? आज मुझे कोई ऐसी चीज, आज मुझे ऐसा ही लग रहा है. ओ फला, अभी तक मेरे पास कपड़े नहीं है जो मुझे कल पहनने हैं. ये भी पहन सकती हो कल? क्यों, आज तुम्हें सोलो पे ले जाके पूरा ड्रेस दिखाना चाहिए. आज हमारी शेफ को प्लीज क्लोजली अच्छे से दिखा दे, क्योंकि इन्होंने बहुत साथ दिया है पूरे रमज़ान हमारा. इतनी मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें बना के इन्होंने हमें खिलवाई हैं, तो अब मेरे ख्याल से इनको थोड़ा सा क्लोजअप में करके दिखा दें. शी वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर शो. थैंक यू वेरी मच. अच्छा उसी के साथ आप लोग जब तक ये मज़ेदार सा एक व्यू देख रहे हैं हमारी शेफ का, और क्योंकि हमारी शेफ जो है वो सिर्फ एक अच्छी शेफ ही नहीं है, वो एक बहुत ही प्यारी सी टैलेंटेड सी लड़की भी है, और जो कि बहुत ही जो है माशाल्लाह से हार्ड वर्क कर रही हैं इस वक्त, और बहुत ज़्यादा काम भी करती हैं और पूरा घर भी संभालती हैं. एक अच्छी सी टैलेंटेड सी शेफ भी हैं. जो इतनी अच्छी सी लड़की हो यार, वो तो मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ हो गई है. लेकिन जो बात है वो है, क्योंकि आप अपने यू मैरिड, आप अपना घर भी देखती हैं और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऊपर ज़्यादा होती है. समरा मैं नहीं कहना चाह रही थी कि वो मैरिड है, तुमने क्यों मतलब बिना वजह भान करती हो ना तुम. अच्छा तो क्या हो गया, ये तो इनकी कॉम्प्लीमेंट है कि शी लुक्स अनमैरिड. नहीं ना, तू रहने दो इस चीज को. अच्छा तो माय गॉड, मेरे हस्बैंड भी देख रहे होंगे अभी. नहीं नहीं, हेलो दुल्हा भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं भाई? हम बिल्कुल मतलब बस तफरी कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है. एनीवे चले, ये तफरियां चल रही है, एंजॉयमेंट हो रहा है. युसरा ये बताओ कि चांद रात की तैयारी से बात में पूछ रहा तो मुझे इंसान फिर पिटेगी, लेकिन अभी कॉल ले लेते हैं. मैं क्यों पिटूंगी, मैं बार-बार क्यों पिट रही हूं? अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, मैं हमजा बात कर रहा हूं फ्रॉम कराची. हमजा कैसे हैं आप? आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. ये बताइए चांद रात की कितनी तैयारी हो गई, कुछ प्लानिंग किया आज शाम में निकलने की बाहर, या क्या किया? नहीं नहीं, सब शॉपिंग हो चुकी है. अच्छा तो घूमने फिरने भी नहीं बाहर निकलेंगे चांद रात है? नहीं नहीं, दोस्तों के साथ भी नहीं? क्यों नहीं, फ्रेंड यहाँ है नहीं, हम लोग इस्लामाबाद से शिफ्ट हो गए. अच्छा अच्छा अच्छा, बट इट्स ओके. इसमें सैड होने की क्या बात है? मुझे कहना था कि माहम इज माय फेवरेट. जिसने मेरी पहली तारीफ की आज, वो मैं बहुत वेरी अप्रिशिएटेड. नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, मेरी कब तारीफ होती है यार? वैसी सेंगे मतलब मेरी कोई तारीफ भी नहीं कर रहा था. दैट्स टू सैड, मैं रॉन्ग किया. सो ब्यूटीफुल मैम, हमेशा आप बहुत अच्छी लगती हैं. अच्छा बस ज्यादा मक्खन नहीं लगाओ, ज्यादा मक्खन नहीं लगाओ. अब हम शमाए महफिल यूसुफ पे ले आते हैं. और इफ यू गेट टू नो व्हाट्स हर एज, शी इज जस्ट अ बेबी माय लव. ये इतनी क्यूट है माशाल्लाह से. जब हम इनफैक्ट कल भी एक शो की शूटिंग पे थे, तो वहाँ पे ये ओह माय गॉड, आई गेट टू गो, आई हैव टू गो होम, मुझे अपना मैथ का होमवर्क करना है. अच्छा ये बताओ, क्या शॉपिंग वगैरह सारी हो गई? अल्लाह का शुक्र, वैसे शॉपिंग तो हो गई है. तो क्या चांद रात कैसे सेलिब्रेट करनी है? आई हैव प्लान्स कि आफ्टर दिस ऑब्वियसली एक इफ्तारी मेरी दादी ने रखी हुई आज, तो उधर उनके इफ्तारी पे जाना है. एंड देन आई विल गो समवेयर आउट विद फ्रेंड्स टू सी के बाहर लोग क्या कर रहे हैं, कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है. लेकिन वैसे अगर ये, क्योंकि अब होता है ये समरा और बाकी दोनों, आप दोनों भी सुन लें, कि हम लड़कियां जो बड़े मज़े से ये प्लान करके निकलते हैं ना, चलें देखते हैं बाहर क्या हो रहा है, हम भी करते हैं.
हम उसी चक्कर में स्टक हो जाते हैं एंड वी एंड अप शॉपिंग. काफी बार तो ये होता है कि वहां पे जाते हुए कुछ अच्छा लगता है तो हम लोग वो भी शॉपिंग करते हैं. शॉपिंग कर ही नहीं पाते, वो सिर्फ विंडो शॉपिंग हो रही होती है उस वक्त. ज्यादा प्रॉपर आप शॉपिंग नहीं कर सकते. और एक वक्त मुझे याद है, आई वॉज आई थिंक मतलब बहुत छोटी थी मैं उस वक्त, लेकिन मेरी शॉपिंग प्रॉपर पूरी शुरू से लेकर एंड तक चांद रात में खत्म हुई. यही होता है हमेशा. मेरी दिन में मतलब अभी भी शॉपिंग लेकिन, लेकिन इतना मुश्किल होता है. बहुत ज्यादा एक बड़े मजेदार सी चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन इससे पहले कॉल ले लेते हैं. लेट्स सी हू इज देयर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन है हमारे साथ जी? कौन सा बात कर रहे हैं जी? मैं कोहाट से रिजवान अहमद बात कर रहा हूँ. जी रिजवान, कहिए क्या कहेंगे ईद के बारे में. क्या कहेंगे? आज पहली बार कॉल इतनी मुश्किल से आपके प्रोग्राम में मिल गई है. बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए. लेकिन रिजवान क्या कहेंगे आप ईद के बारे में, चांद रात के बारे में? बाजी पहले ये बताएं कि हाँ कोहाट में तो ईद नहीं है, आज चांद रात है ना, तो आप लोग की चांद रात आज है कि कहाँ हो गई है? आज है. सिर्फ पेशावर में जो है ना वो आज जो है ईद है, उसके अलावा हर शहर में, कराची पाकिस्तान के हर शहर में उसके अलावा जो है वो ईद नहीं है. आज चांद रात है. आज चांद रात है जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं. एग्जैक्टली आज हम उसी की खुशियों के लिए कि चांद नजर आ गया है या आने वाला है, उसी को खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए हम सारे यहाँ पर बैठे हैं आज. तो आज मेरी शॉपिंग तो आधी रहती है. आज हम घूमने जाएंगे कोहाट में, भी बड़ा मजा होता है. बिल्कुल जी, मजा होता है. कोहाट का मौसम कैसा है अभी? कोहाट का इधर पता नहीं चलता, कभी धूप आ जाती है कभी बादल आ जाते हैं. इसमें मौसम का भी पता. अच्छा वैसे आपका फिर जो हमारे से फिर लिंक होना चाहिए क्योंकि हमारा भी हमारे साथ ऐसे ही है. रात में बारिश होती है और दिन में कड़कती हुई धूप. अच्छा हमारा भी मौसम कुछ ऐसा ही है, रात में जो है वो बारिश तेज वाली हो रही होती है और दिन में जो है कड़कती हुई धूप होती है. वैसे बड़ा पाकिस्तान का तो खैर एक कह सकते हैं बड़ा डिफरेंट सा वेदर है जो कहीं पे भी हमें नहीं मिलता. तो ये बड़ी अच्छी सी बात है. खैर आपको भी चांद मुबारक, चांद रात मुबारक. इनफैक्ट बहुत सारी खुशियां मनाइए, जाइए अपनी फैमिली के साथ, एंजॉय कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज. ओके जी. छुपोगे क्यों, बैठ गए फिर बैठना है सबने मुझे. माहा यू आर मोर लाइक अ टीचर टुडे, सही है ना? आप वीजे का टीचर ज्यादा लग रहे हैं. अच्छा ना, डंडे की जगह इसने कौन मेहंदी पकड़ी हुई है? मेहंदी कब के रहे अलमास, आपको मेहंदी लगानी आती है? मुझे थोड़ी बहुत आती है. थोड़ी बहुत या बहुत? मेरे पर नहीं हूं लेकिन लगा लेती हूं. इनफैक्ट समरा एक दिन मुझसे किसी मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि ना यार तुमने मेहंदी नहीं लगाई है, तो मैंने कहा हाँ ऑब्वियसली अभी चांद रात पे ही लगाऊंगी. तो ही वाज लाइक कि ना चलो ठीक है काम करते हैं, मैं तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगा दूंगा. मैंने कहा चलो ठीक है. फिर मैंने कहा तो मेहंदी लगानी आती है? तो ही वाज लाइक कि ना हाँ मैं एक जो है वो एप्पल बना दूंगा, एक बनाना बना दूंगा, एक मैंगो बना दूंगा मेहंदी. अच्छा मेहंदी लगाना नहीं होता, खूबसूरत डिजाइन एक आर्ट होता है. अरबिक मेहंदी हो गई, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन होते हैं मेहंदी के, तो मेहंदी ऐसी थोड़ी लग जाती है. बिल्कुल वो पुराना वक्त था कि जरा सा वो टिप्पा खाली गोल बना लिया और सिर्फ फिंगर्स के ऊपर कर लिया, वो चीज है लेकिन थोड़ी नहीं. लेकिन बड़े मजे की चीज होती थी कि आई सॉ अ फैमिली जिसमें वो अपनी बेटी को उसके हाथ मेहंदी में डबो के पूरे लाइक दैट ओनली पूरे उसमें मेहंदी के कलर आ गया. So she used to do that, कि वो बस पूरे से मेहंदी लगा दी. अच्छा एक इसी तरह मेहंदी इसी तरह पहले एक आप मेहंदी का बनाकर जैसे गोला सा बना के उसको यूं हाथ में रख लिया, ठीक है, जब उसको खोला ना तो आपको लगता है सिर्फ डक बन गई है. रियली रियली. और ये मतलब ऊपर बच्चों के हाथों के ऊपर कपड़े बांध दिए जाते थे कि रात हो गई है सुबह उठेंगे तो डक बनी हुई होगी आपके हाथ में, तो खोला था डक. अब मतलब उस चीज को जो है ना काफी खत्म हो गया, वरना ये पहले बहुत देखने में आता था. बहुत सारे गांव वगैरह में तो अभी भी ऐसा होता है. पांवों के पूरे नीचे भी जो है ना वो मेहंदी पूरी लगती है कि पांवों में जो है वो आपने उसमें पांव रख दिया मेहंदी पे और वो पूरे पांव पे आपकी मेहंदी लग गई. नो डिजाइनिंग नथिंग. बड़ी डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती थी. और एक दफा तो मैं एक चैनल पे थी तो वहां पर पूरा मेहंदी कॉम्पिटिशन भी हुआ था, तो मैंने इतनी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज मेहंदी की देखी थी और मैं तो बस हर दूसरे दिन डिफरेंट डिफरेंट मेहंदी लगा कर बैठी. मुझे तो आई स्वेयर मतलब इस बार अपने पूरे हाथों पे मेहंदी चाहिए.
बस के लास्ट टाइम मेरे साथ जो हुआ था, इनफैक्ट मैं ये शेयर करने वाली थी, लास्ट टाइम मैंने कोई शॉपिंग नहीं की थी, कुछ नहीं किया था, और ईद बिल्कुल जब लास्ट सुबह 4-5 बजने वाले थे और ये हालत हो चुकी थी, मैं इतनी थक गई थी. Then I went for shopping. I took a dress. I took my sandals at that time. वो उसी वक्त मैंने बिल्कुल last moment पे चीजें की थी. तो ये एक ईद की अगेन है कि मैं यही इसी किस्म के आप लोगों से भी जो है ना वो वाकयात पूछ रही थी अगर आप लोगों के साथ कभी हुए हों, क्योंकि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे शॉपिंग करना जाके और वो सारी चीजें बिल्कुल मैचिंग की लेना एंड एवरीथिंग, आप लोगों को पता लगता बड़ा जल्दी होती है हर चीज के मामले में. सही बात है, ये सारी चीजें तो हो रही है, चले अब चांद रात एंजॉय करेंगे, लेकिन टाइम हो गया है जाने का लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए. Yes. हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ से अगर अभी थोड़ा सा चले जाएंगे गर्ल पावर एंड हो जाएगा, पर ईद लाउंज स्पेशल जो होगा वो हम आपके साथ पूरी रहेंगे. इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, वेरी एक्साइटिंग थिंग्स, तो आप लोग जरूर ट्यून इन करिएगा. और ईद के बाद भी हम आपसे गर्ल पावर में इसी तरह मिलेंगे और इसी तरह आपके साथ रहेंगे, न्यू एक्साइटिंग चीजें करेंगे. ईद में भी हमारे साथ साथ रहिएगा इन एडवांस. ईद मुबारक, चांद मुबारक टू ऑल. बिल्कुल जी अलमास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पूरे हमारे जो पूरे रमज़ान हमारे साथ आप रहे वो बहुत अच्छा. और मेरे ख्याल से अलमास के साथ साथ और जितनी भी शेफ्स यहाँ पर आए हमारे शो पे और उन्होंने एंजॉय करवाया. तो आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड युसरा और समरा आपका भी बहुत शुक्रिया, आपको अपना खुद का भी बहुत शुक्रिया. बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़.